आइए आज हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत आसान होते हैं लेकिन लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। मैं आपको बहुत आसानी समझाऊंगा जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, अ चेयर इज बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड इट फॉर लॉस ऑफ 6%। उसने 3000 में खरीदी है उसको, जिसमें 6000 लॉस हुआ उसको बेचने पर। अब इसने पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए, लॉस परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला है लॉस अपॉन लॉस दिए आपको 6%, आपको कुछ नहीं करना इसका, 94/100, ठीक है। और सेलिंग प्राइस पूछी तो इनटू कॉस्ट प्राइस, क्रॉस प्राइस आपके 3000, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 से 20 कट आएगा। जब आप 30, आप इसको 30 × 94 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है, तो आपका यहाँ पे जो है 2820 जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस। देखिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस इज 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ अ गेन और लॉस परसेंट। इसमें बोला है कॉस्ट प्राइस है जो 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए आप ₹20 कॉस्ट प्राइस है, ठीक, और सेलिंग प्राइस है ₹30, तो इसने बोला गेन या लॉस परसेंट कितना होगा। तो देखिए, आपका सेलिंग प्राइस 30 और कॉस्ट प्राइस 20, यानी कि आपको ₹10 का फ़ायदा हुआ है। कितने में? 20 में। तो हमने इंटू अपॉन 20 किया, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, 10 × 10 × 20 = 250 यानी कि आपका 50% फ़ायदा हुआ है। देखिए, इसे इक्वल अप बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹434, रमेश मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 24%। फाइंड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोला है, ये बोला है जो रमेश है उसने 434 में आइटम सेल किए जिसमें उसको 24% का फ़ायदा हुआ। उसने बोला कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है तो फिर एक 124 का फ़ायदा हुआ है, कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, 434 आपने ये किया, तो 434 × 100 / 124। अब आप इसको बस सिंपली सॉल्व करें। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसमें काटेंगे, इसका आंसर जो है 350 इसका आंसर आएगा, ठीक है। थैंक यू। अब मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। थैंक यू।